वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आपके फेज़ वन के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है और उसके अनुसार रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अपना ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एयरफोर्स का, उसमें हम दिखाते हैं कि नहीं कब आपका रिजल्ट आने की संभावना है। भारतीय वायुसेना का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रूल नंबर 17, यहाँ पे दिया हुआ है। रूल नंबर 17 में आपको हम दिखा दें कि कह रहा है क्या कि कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई ईच पेपर सेपरेटली इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया हुआ है। द रिजल्ट ऑफ फेज़ वन एंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फेज़ सेकेंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज़ वन। ठीक है, फेज़ वन के हिसाब से फेज़ टू को उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन से कौन कैंडिडेट्स जो है कि फेज़ टू के एग्जामिनेशन को देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन www.airmanselection.cdac.in आफ्टर 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि 25 दिन बाद, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 25 दिन बाद आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यदि बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन हुआ लास्ट, वो हुआ 24 सितंबर को। कब हुआ? 24 सितंबर, यानी कि उसमें बचा 6 दिन। आपको कह सकते हैं कि 6 दिन वो हो गया और इसमें लगभग 19 तारीख को 25 दिन पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है कि आने की जो संभावना है वो 19 तारीख को है। ठीक है, उसके पहले कह सकते हैं कि 18 तारीख को भी आ सकता है, या कि फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, यदि लेट हो तो 20 तारीख को आ सकता है, इससे आगे पीछे नहीं होगा। तो ओवरऑल बात करें तो 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट जो है कि आ जाएगा। अब इस पर कोई आप डाउट मत रखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप खुद भी डाउनलोड करके इसका रूल नंबर 17 पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आई होप आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।